युद्ध में यूक्रेन की राजधानी कीव के पास देखा गया है तबाही का भीषण मंजर। वो क्या था? जंग में रूस के सैन्य वाहन पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और जहाज से लौटी रूसी सेना वहां पहुंच गया है टीवी 9 भारतवर्ष। सुबारा खान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कि रूसी फौज को आखिरकार कीव से वापस क्यों लौटना पड़ा। टीवी 9 भारतवर्ष आज आ पहुंचा है कीव से 60 किलोमीटर दूर मौजूद नोवा बासन गांव में। इस गांव की अहमियत रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत ज्यादा है। इतिहास में जब जिक्र होगा रूस यूक्रेन युद्ध का तो इस गांव का जिक्र बार बार आएगा, क्योंकि ये गांव दिखाता है कैसे छोटे छोटे ग्रुप्स में काम कर रहे वॉलंटियर्स, जो लड़ाके हैं, जो छोटे ग्रुप्स हैं जो 2014 में पहले बनाया गया था क्रीमिया के खिलाफ जब युद्ध लड़ रहा था यूक्रेन, और उन ग्रुप्स में, उन वॉलंटियर्स में अब कुछ युवा भी शामिल हो गए हैं। वो छोटे छोटे ग्रुप्स में कैसे लड़ रहे थे रूसी सैनिकों से, और रूसी सेना के बख्तरबंद गाड़ियों से, टैंकों से कैसे उन्होंने लोहा लिया है, और इस इलाके में कैसे रूस को जो बड़ा नुकसान हुआ है उसके पीछे ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। नोवा बासन गांव में दरअसल क्या हुआ, आइए वो भी आपको बताते हैं। मेरे पीछे जो आप ये ट्रक देख रहे हैं ये रूसी ट्रक है, और इस ट्रक में एम्यूनेशन था, यानी हथियार थे। ये ट्रक पूरी तरह से हथियारों से भरा हुआ था, और अभी भी हमारे आसपास जब आप इस मलबे को देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से हथियारों का जो जो खोके हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। यहाँ इस जगह नोवा बासन गाँव में एक टैंक था यूक्रेन का और दो BMPs, यानी दो आर्मर्ड व्हीकल्स थे, दो BMPs थे और एक टैंक। इनके बूते पर यहां मौजूद सैनिकों ने परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।